हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया कौशिक बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज मैं आपको बता रही हूँ डीएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में। हाँ जी, डीएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले हमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करना होगा। तो अगर हम लेंगे प्लांट सेल तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे सेलुलेज एंजाइम प्लांट सेल वॉल ब्रेक करने के लिए। अगर हमने फंगस की सेल ली है तो हम वहाँ यूज करेंगे काइटिनेज। ठीक है, अगर हमने एनिमल सेल यूज किया है तो वहां, या हमने बैक्टीरियल सेल यूज किया है तो वहां हम यूज करेंगे लाइसोजाइम। एनिमल सेल की जगह हम अगर इसको बैक्टीरियल सेल कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल नहीं है तो हम इसको वीक डिटर्जेंट से भी ट्रीट करा सकते हैं। वीक डिटर्जेंट जैसे कि SLS या SDS, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, सोडियम लॉयल सल्फेट। तो एक बार जब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, इसको हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे ताकि जो सेल डेब्रीज हैं वो नीचे आ जाएंगे और हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर सस्पेंशन के अंदर हमारे पास डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा DNA, RNA और प्रोटीन्स। अब हम अपने DNA को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल हम ऐड करेंगे। जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालेंगे DNA प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपका थ्रेड जैसा नजर आएगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, थ्रेड के जैसा DNA आपको यहाँ नजर आएगा। और जब हम इसको एक ग्लास रोड की हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। उस स्टेप को हम बोलते हैं स्पूलिंग। और ये जो DNA यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ, ये चिल्ड इथेनॉल की वजह से हुआ। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट DNA एक्सट्रैक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।